चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दृश्य दर्शाने के लिए वार्ड क्रमांक 23 में, जहां पर युवाओं ने आज सड़कों पर आकर के एक विरोध जताया कि जिस तरीके से यहां पर सड़कों की हालात हैं, गटरों की हालात हैं, इन सब यहां की दुर्व्यवस्था को लेकर के सब युवा वर्ग एकत्रित हुए। हम आपको लेकर चल रहे हैं, युवाओं की राय भी सुनाएंगे किस तरीके से उन्होंने अपने राय रखे सामने और लोक प्रतिनिधियों को वोट देने से लिए डायरेक्ट इनकार किया। लेकर चलते हैं राय दिखाने के लिए। क्या प्रॉब्लम है, किस समस्या को लेकर आज आप लोग इकट्ठे हुए? देखिए प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, जो भी अगर नागरिकों में या जो भिवंडी में रहते हैं, भिवंडी शहर का अगर नाम चेंज करके प्रॉब्लम भी रख दो ना तो कोई कोई मतलब हरकत नहीं, क्योंकि क्या है यहाँ ऐसे हर एक आप जहाँ खड़े हो वो एक रोड है। आप अगर नीचे कैमरा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 15 मिनट रोड एक बार आप रोड भी देख लो, कैमरे में जूम होता है तो आपको देख सकते हो रोड पैर दुखेगा। एरिया के 3 एंट्री पॉइंट्स है, यहाँ से और यहाँ के लिए जगह नहीं है। आपको तीनों जगह पे गंदगी मिलेगी, कचरा मिलेगा, जो भी सफाई कामगार है उनको दोष देके कोई मतलब है नहीं। उनके ऊपर जो बैठे होते हैं उनसे उनका काम होता है कि उनसे काम करवा के लेना। रोड्स की प्रॉब्लम है, पानी है, सबका प्रॉब्लम है। पानी की प्रॉब्लम ये है कि पानी गंदा आता है, पानी देना है आपका, सिर्फ पानी देना ये काम नहीं है, वो अच्छे तरीके से पानी प्योर होना चाहिए तो उस नागरिकों के सेहत के लिए। अगर आप जाके अभी हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे, जो भी लोकल कोई हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, तो आपको स्किन की प्रॉब्लम बहुत सारे नागरिकों को मिलेगी, जो कि वाटर की वजह से होती है और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, वाटर की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम ऐसे खराब है। अभी इतने छोटे लेवल पे बात करके कोई मतलब है नहीं, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम है और बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो आप एक बार राउंड मारोगे तो आपको पूरे भिवंडी में दिखेंगे, ना कि सिर्फ इसी। आने वाला चुनाव नजदीक है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए आने वाले चुनाव में अभी जो भी राजनीतिक पार्टियां है वो तो अपना मतलब जो भी मुद्दा होगा उनका वो सामने करके आएगी। भिवंडी में अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम और ये फलाना ढिमका ये सारे होते हैं। अगर आप भिवंडी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक से देखो तो यहाँ पे हर एक जाति धर्म का और हर एक प्रांत से आए हुए लोग रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो सबको सेम ही है। खड्डा ऐसे देख के नहीं होता कि हिंदू के लिए ये और अलग मुसलमानों के लिए, सबके लिए खड्डे सेम होते हैं। तो भिवंडी का बेसिक प्रॉब्लम ये है कि रोड, पानी, बिजली तो टोरेंट पावर देती है लेकिन उसका जो रेट है उसके ऊपर बहुत लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन एक्चुअल में वो सर्विस जिस तरह से प्रोवाइड करती है, जिस तरह से वो रेट लेती है, उसके ऊपर कभी किसी ने एक्सप्लेनेशन और क्लेरिफिकेशन ठीक से दिया नहीं है। तो वो एक बार एक पहली बात तो नीति लोग पढ़े हैं ही नहीं, उनको क्या देने आएगा क्लेरिफिकेशन, ये भी एक बात है। दूसरी बात, हाँ वो भी बराबर है, पार्टी पोस्ट। और लास्ट मुद्दा ये है कि जो भी जितने भी चुनाव की मतलब पार्टियां हैं उनके जो भी यहाँ के कॉर्पोरेटर होंगे या फिर एमएलए या एमपीज होंगे, अगर आप देखोगे सबकी प्रॉपर्टी है, सबके पास गाड़ी बंगला है और सब एकदम अपने जिंदगी ऐशो आराम से जीते हैं, प्रॉब्लम में सिर्फ हम होते हैं। तो फिर वोट मांगने के लिए मत आओ, और चुनाव हमारे पैसे से होता है, उनके पैसे से नहीं होता। तो आप काम करिए, चुनाव ही मत करिए, ये हमारा कहना है बस। वार्ड 23 नंबर है, शिवनगर में रहते हैं हम। हमारी इधर 3-4 साल से हमारे नाला फूटा है और कचरा बहुत सारा है, नगर सेवक का कुछ ध्यान नहीं है। हम फेस्टिवल फायर करते हैं तो हम खुद नाला बना के करते हैं, तो हमारे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं नगर सेवक इतना जानता हूँ कि हमको भी कचरा साफ करके दो, गटर बना के दो, बहुत समस्या है हमारी। तो यहाँ पर यहाँ के नगर सेवक आते हैं कि नहीं? कभी नहीं आए, 5 साल में कभी नहीं आए। कभी फेस्टिवल हम लोग बनाते हैं तो आके हमारे हाथ से कचरा साफ करके फेस्टिवल साजरा करते हैं। अभी ये नवरात्रि आई है, कचरा देखो, वीडियो भी हमारे पास है, देखो कचरा।